हाय एवरीबडी, वी वेलकम यू ऑल और हम लोग यहाँ अपने अनुभव से अपनी एनर्जी से आपकी करियर शेप करने के लिए आए हैं हम सभी को ऑलमोस्ट टू डिकेट्स का अनुभव है एंड ये पता है कि कब क्या कितना पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में पास हुए अच्छे मार्क्स के साथ हाय, दिस पी पीएस राठौर

इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाऊंगा आपके लिए कि मैं इंश्योर करूंगा कि हंड्रेड में हंड्रेड आए एंड अकेला यह सब्जेक्ट आप में कॉन्फिडेंस दे कि आप रैंक ला सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग माई टीम वी आर टूगेदर देखिए यह है सुरभि मैम सुरभि मैम ने ए आई आर वन मोर देस से एंड हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का रिकॉर्ड है तो मैम के पास है अब तक इंटर एंड फाइनल में सबसे ज्यादा बच्चों के लाइफ को ऑडिट फैकल्टी होते हुए किसी ने टच किया है उनका नाम सुरभि मैम है मैम इतना ही नहीं मोर देन ए टू डिकेट के टीचिंग में आप कईयों के लिए बहन बन के रोल मॉडल हुई हो होंगी कई बच्चे खास करके लड़कियां जो दूर दूर से आती हैं आप में अपनी मदर की फिगर देखती होंगी थोड़ा मदर बोल रहा हूँ तो आपके चेहरे पे लग रहा है ठीक है बच्चे तो बच्चे ही है ना yes, yes, इन बच्चों absolutely. को आप इमोशनली कैसे सपोर्ट करती थी कि यहाँ आने के बाद वो आ, बहुत स्ट्रेंथन हो जाते थे तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा Right. So, मुझे ये लगता है कि बींग अ मदर और स्पेशली एक बेटी की माँ होने के नाते शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कनेक्ट कर पाती हूँ या वो लोग जिस स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं या जिस तरह से वो लोग दूर के यू नो कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चे स्मॉल टाउन से आते हैं आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मैं मैं कोई दिल्ली में पढ़ले बढ़ी नहीं हूँ मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूं तो कहीं ना कहीं वो कुछ स्ट्रगल्स हमें भी पता है जो हमने कहीं नई जगह पर जाकर के इंडिपेंडेंटली रहने में देखे या समझे तो शायद मुझे लगता है कि मैं उन बच्चों से क्योंकि मैं उस सिचुएशन में भी रही और क्योंकि बींग अ मदर मैंने वो अपने बच्चों में भी देखा कि उनको किस तरह के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है शायद बस सर उसी एक तरीके से उनको सपोर्ट करने तो की कोशिश करते हैं के टीचिंग के साथ गर्ल चाइल्ड कैसे सिक्योर्ड फील करे कैसे अपने आप को सेफ फील करे और कई बार बच्चे इस बात को मानेंगे कि जब वो घर से अलग रहते हैं तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे दिल खोल के बात कर सकें और उनको विश्वास होना चाहिए कि वो एक ऐसा सजेशन देगी जो बच्चों के लिए फ़ायदा होगा उनके लिए फ़ायदा मंद होगा ना कि प्रोफेशनल राइज के लिए तो यू टेक कि बच्चों का मेंटल मेंटल हेल्थ हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर सर बहुत है और अगर कोई बच्चा मुझ में कन्फाइड कर रहा है hmm. कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा अपना शेड्यूल बनाने के लिए hmm. मेरे से गाइड करता yeah. है कि मैम मेरे से गाइडेंस लेता है की बच्चियां भी खासतौर hmm. पर कि मैम एक शेड्यूल बताए हमें हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कुछ बच्चे ऑब्वियसली जब दूर से आते हैं तो वो बड़े इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं कई बार तो अगर वो मुझ में कन्फाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि एज अ मदर क्या बेस्ट एडवाइस हो सकती है अपार्ट फ्रॉम बींग टीचर तो बस सर वही एडवाइस उनको एक बड़ी गुड फेथ में देने की कोशिश रहती है अगर उनके काम आए तो बहुत बहुत मेहरबानी रहती है तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले तो हम ऑडिट की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि आपको ऑडिटिंग के अंदर स्टडीज कैसे करनी चाहिए ताकि आपकी मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए क्योंकि इन एनी केस ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमेशा काम आएगा और साथ साथ जब आप सी ए बन जाओगे तो जिंदगी भर आपके काम आएगा तो ऑडिटिंग के अंदर अगर मैं आपको सब्जेक्ट प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है और आप उसके बाद में जो कीवर्ड्स हैं आपने वो कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे ऑडिट रटना पड़ रहा है तो अगर मैं इसको सम अप करूं नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नंबर टू आपको मार्क्स लेकर के आने हैं आपने कीवर्ड्स को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना है जिसके लिए हम लोग कुछ निमोनिक्स बनाते हैं कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं प्लस उसके साथ साथ में हम लोगों को रिविजन करना है साथ में हमको छोटे छोटे जो हम टेस्ट क्लास के बीच में भी लेते हैं और साथ में जो हम टेस्ट सीरीज लेंगे दोस्तों ये है नगेंद्र सर सर एक बात बताइए आप एफ पढ़ाते हो एफ एम टफ है अब ये जो नया चीज़ आ रहा है कि एफ के साथ एस एम आएगा आ, आपको ऐसा नहीं लगता कि एस एम पढ़ के मैं ही पढ़ा लूँ क्या करना और नहीं आता तो क्यों नहीं आता अब देखिए ज़बरदस्ती की बात तो अलग है हाँ अगर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एक्सपर्ट होंगे कोई हाँ. ज़रूरी नहीं वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी उनको उतना ही एक्सपर्ट हो करेक्ट आप इतने दिनों से पढ़ाते हैं हमें वो चीज़ स्टार्ट करने पड़ेंगे जो चीज आप ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस गेन करके वो चीज ऑलरेडी बच्चों को आप डिलीवर कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जितना आप एस अच्छे से पढ़ा पाएंगे उतना मैं कर पाऊंगा मतलब सर का ये कहना है कि जो मेरा बेस्ट है मैं वही दूंगा मैं कहीं और कुछ भी ट्राई नहीं करूँगा मेरे लिए नंबर नहीं क्वालिटी मैटर करता है बिल्कुल शायद यही कारण होगा कि अब तक ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोथ इंटर एंड फाइनल में आपने बच्चों को दिलवाए हैं वो कौन सा राज था वो कौन सा टेक्निक था जो आपने बच्चों में डाल दिए और बच्चे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मतलब गोल्ड मेडलिस्ट इन सब्जेक्ट यानी कि ही प्रोड्यूस्ड गोल्ड मेडलिक सब्जेक्ट आप लोग को पता होगा हाईएस्ट मार्क स्कोरर को इंस्टीट्यूट अलग से सर्टिफिकेट देती है और अलग से रिकॉग्निशन देती है तो ये जो रिकॉग्निशन आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिलाया आपने क्या किया मेरा एक ही रहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा पेपर है करेक्ट जो वो लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं करे आज के डेट पे मैं जब पढ़ाता हूँ एक स्क्रीन पे होती है रियल लाइफ hmm. मार्केट से लिंक जो चीज़ जहाँ से लिंकेज है चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो कोई इंश्योरेंस का प्लान हो चाहे कुछ भी हो वो सारा हमारा एक जो रियल लाइफ होते एक स्क्रीन पे होते दूसरे स्क्रीन पे हमारा पेपर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे उस सारे चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है और उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है वो सारा चीज जो होती है वो उनको लगता है कि ये सब चल रहा है जैसे मान लीजिए हमें कोई भी फार्मूला पढ़ाना है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो मोर देन एटी परसेंट चीज़ जो स्टॉक मार्केट से लिंक है क्या जाता है सी ए इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स पे स्टॉक का बिहेवियर कब क्या होगा आप ये पूरा कंटेंट से कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल अभी राजेश सर टैक्स के ऐसे व्यक्ति जो कि एक एक वर्ड को तार तार तिनका तिनका निकाल के आपके दिमाग में डाल देंगे जो एग्जाम में भी काम आएगा एग्जाम के बाद भी काम आएगा मैंने देखा है खास करके से नेपाल से जो बच्चे आते थे सर की क्लास के लिए पागल होते थे सर एक बात बताइए इनकम टैक्स को दिल में घोट घोट के पीने के लिए क्या चाहिए और कैसे आप पढ़ाते हैं कि बच्चे पागल हो जाते हैं जैसा कि आपको पता है राठौर सर की ये जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है ये सब्जेक्ट प्रोविजन बेस्ड है इसके अंदर लॉ है लॉ है।, है कानून है और वो कानून वो लॉ कौन बना रहे हैं गवर्नमेंट बना रही है पार्लियामेंट बना रही है स्टेट बना रही है राइट और जब तक आप पॉलिटिकल जो उनके इंटेंशन पॉलिटिकल विल को नहीं समझोगे कि कोई प्रोविजन आया क्यों आया नहीं था तो क्या था और आ गया ये प्रोविजन तो क्या हो गया अगर आप पूरे प्रोविजन के इंटेंट को उसके सही इंटेंट को सही रीजन के साथ सिर्फ समझ लेंगे वो तो प्रोविजन आपकी जेब में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक रीडिंग प्रोविजन इधर बस यही वो बात है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या है वो तो दुनिया देख रही है क्यों है वो हम और आप देखेंगे तो सर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप बार बार कहते हैं कि बच्चों को स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ाया जाए ये आपके दिमाग में क्या चलता है मेरी सोच ये है इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल ही हमारी बाइबल कुरान और गीता है कहने का मतलब इंस्टीट्यूट ने जो पूछना है वो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से ही पूछना है अगर हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को 100 परसेंट ऑलमोस्ट 100 परसेंट क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेलिवेंट नहीं होती हैं बैकग्राउंड मटेरियल होता है अगर उसको इग्नोर करके हम बच्चों को अगर ये डिलीवर किया जाए बच्चों के अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए स्टडी मटेरियल को लेके तो उसके कई फायदे नंबर वन सिलेबस कंप्लीट नंबर टू रेलिवेंट स्टडी नंबर थ्री फ्यू क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम मतलब तो मेरा मानना है कि स्टडी मटीरियल को अगर इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर बेस बनाया जाए तो बच्चा क्योंकि इनकम टैक्स एक एंडलेस सब्जेक्ट है समुन्दर है ये और इस समंदर में हमें कुछ एरिया कवर करना है जो एग्जाम ओरियंटेड भी हो प्रोफेशन ओरियंटेड भी हो तो हम Institute की स्टडी मटेरियल को अगर वो पैरामीटर बना लें तो हमारी स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है। वेरी गुड दिवाकर सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं हम लोग साथ में हैं आप इतने साल से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं इतने बच्चों को आपने इन्फ्लुएंस किया है काफी रैंक होल्डर भी हैं राइट अब क्या करते हैं कि बच्चों में अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली सर मेरा जो तरीका है पढ़ाने का उसको मैं दो पार्ट्स में मर्ज करता हूँ एक तो है मेरी थ्योरी और एक है मेरा प्रैक्टिकल थ्योरी सर अकाउंट्स में लोगों को लगता है उतनी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट नहीं होती जो कि एक गलत अप्रोच है अगर हम एक छोटी क्लास के बच्चे की बात करें जो कि क्लास एलेवेंथ में है वो जनरल एंट्रीज को रट लेता है जहां से उसकी गलती की शुरुआत होती है और अगर वो बड़े लेवल पे इंटर लेवल पे पहुंच जाता है और फिर भी उसके लेजर पोस्टिंग के अंदर गलती होती है तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज की जो है लैक माना जाता है जिसका कि कारण होता है थ्योरी का ही ना समझना ना समझना अब एक छोटी सी बात बताइए चूंकि आपका सब्जेक्ट ग्रुप वन में है एंड ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बच्चों का लाइवलीहुड खड़ा होगा तो आप कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चा हमेशा हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए कैसे पढ़ाते हैं बेसिकली सर अगर कोई बच्चा मेरे पास में आता है और कहता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है हो सकता है उसने क्लास के अंदर किसी प्रेशर में या फिर और बच्चों की हामी में हाँ मिला दी हो लेकिन मैं उस चीज़ को सीरियसली लेते हुए उन बच्चों को जो कि छोड़े बहुत भी डाउट में होते हैं मैं अपने पास में उनके डाउट क्लास के बाद क्लियर करता हूं और उनसे पर्सनल अटैचमेंट रखते हुए ये कहता हूं कि सच में अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं तो इस तरीके से एक एक स्ट्रेंथ के वे में जो बच्चा है वो अपने आप को देखता है और आता है हमारे पास में पूछता है बार बार डाउट सॉल्विंग की कोशिश करता है थैंक यू सो मच सर दिवाकर तनवर साहब थैंक यू सर हाई फ्रेंड्स ये है हमारे लॉ के पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य जो तो लॉ को ऐसे पढ़ाते हैं जो आप अपनी जिंदगी में एग्जाम में भी यूज कर सको और जिंदगी में भी यूज करो यानी लॉ विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट सर आप क्या करते हो कि बच्चे फॉल इन लव विद लॉ नॉट विथ यू बट सब्जेक्ट एक्चुअली मैं आ, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी वाह <laughs> <laughs> तो अंदर से हम सभी बच्चे हैं तो मैं बच्चे की तरह समझ के कि उनकी तरह उनको कैसे समझना है उनको कहाँ दिक्कत आ सकती है मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जैसे कि अगर एक सेक्शन में दिक्कत आएगी कहीं तो वो अगर मैं बच्चा होता तो मुझे कहाँ दिक्कत आती है यानी कि लॉ पढ़ाने के लिए बच्चे के दिल और दिमाग में पहले जाते हो और फिर पढ़ाते हो सही बात है तभी आप दिल और दिमाग को छुटाते हो राइट राइट सर दैट्स अमेजिंग तो आप सेक्शन वाइज लॉ पढ़ाते हो या कॉन्सेप्ट हो स्टडी मटेरियल को कितना कवरेज करते हो ये जरा बताओ ना सर सबसे पहले मैं स्टडी मटेरियल पे आऊंगा मैं हंड्रेड परसेंट से ज्यादा कवर करता हूँ oh, क्योंकि सर हम कॉन्सेप्ट तो, तो पढ़ाते पढ़ाता हूँ सर उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज एवरीथिंग इज कवर्ड और वो भी सिर्फ ओरली नहीं रिटर्न वाह यानी कि क्लास में ही एमसीक्यू कवर्ड कवर सर हंड्रेड परसेंट क्लास में ही केस स्टडी सर कुछ हंड्रेड परसेंट एवरीथिंग एवरीथिंग यानी कि क्लास में सिर्फ पढ़ाई नो ड्रामा नो ड्रामा सर ओनली पढ़ाई नो कहानी नो no कहानी अरे वाह क्या जबरदस्त है फिर तो लॉ आने वाले कल में मुझे लगता है सिर्फ लवजीत जैसे लव को जीतने वाले तो लॉ को जीतने वाले तो आपका नाम तो लवजीत नहीं लॉजीत हो जाना हाँ, कहते हैं पुकारेंगे हाँ, है। अच्छा, हाँ, 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 तो ज्यादा नहीं थैंक यू सर राइट तो सिंह जी जो कि आपको लॉ पढ़ाएंगे ये लॉजीत मैंने बोला ये लवजीत है और एक एक वर्ड की गारंटी हमारी है कि होगा होगा एग्जाम होगा इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा तो अगर लॉ पढ़ना है तो ही इज अल्टीमेट चॉइस थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर दोस्तों अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं अगर मस्ती ही करनी है तो आप कहीं भी जा सकते हो लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम के पास होने के बाद आप मस्ती करते रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एग्जाम क्लियर होने के पहले तक आपको एक बात ध्यान रखना है कि एग्जाम पास कैसे करूं एग्जाम पास करने के लिए विद द नॉलेज एंड कंटेंट वी आर द बेस्ट वी हैव अ ट्रस्ट इन आव असल वी हैवे बिलीफ इन आवर असल वी हैव ए फेथ इन आवर असल वी हैव डन इन द पास्ट एंड अफकोर्स वी कैन डू इन फ्यूचर एज वेल आई यू कैन टू गेट एट बेनिफिट ट्रस्ट अस्ट वी आर द बेस्ट Thank you very much, Dil.